बिहार के अंदर लगातार घमासान जारी है। सीएम नीतीश कुमार और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच आर पार की लड़ाई है। बात यहां तक आ गई है कि शक्ति प्रदर्शन के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने 20 फरवरी को पटना में अपने साथ जुड़े नेताओं को आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि जिस लवकुश के नारे पर नीतीश राज्य में अपना वर्चस्व बनाकर रखा है, उसमें अब दरार आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें और उनके समाज को हाशिए पर रखा गया। उधर नीतीश भी कह रहे हैं जिसे जाना है वो जाए। आखिर क्या है मामला और आगे क्या हो सकता है, इस पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ आशुतोष पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ मनोज दास मनु हैं, प्रवक्ता हैं जनता दल यू। और हमारे साथ अंकित रंजन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अंकित जी आपके पास आना चाहूँगा। मामला बिहार का है, बहुत बड़ा मामला है। और गठबंधन, जिस गठबंधन को लेकर सरकारें बनी, आज उस गठबंधन में एक बड़े नेता लगातार विरोध में बयान दे रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो जल्दी अपना दूसरा कोई ठिकाना तलाश कर सकते हैं और खुली चुनौती उन्होंने दी है। इसे आप कैसे देखते हैं कि उससे पहले भी एक बड़े नेता जदयू के बाहर हुए थे? देखिए, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि पहले भी हुआ है और ये तीसरी बार, जैसा कि नीतीश कुमार ने बताया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बताया था कि ये तीसरी बार उनका स्वागत किया गया है अपने गठबंधन में, लेकिन फिर भी उसके बाद ऐसा हो रहा है कि ये वहां से बाहर जाने की बातें कर रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये तो अभी तक कहीं भी खुलासा उन्होंने नहीं किया है। हाँ। लेकिन 19 और 20 तारीख को जो उन्होंने बैठक बैठाई है, उसके दौरान बहुत सारी चीजों पर खुलासा हो सकता है। लेकिन हालांकि अभी भी जदयू के संसदीय दल की बैठक के दौरान ये बता रहे हैं कि मैं उन लोगों को बैठा रहा हूँ जदयू को मजबूत करने के लिए। लेकिन फिर भी देखते हैं ये जदयू को मजबूत करने के लिए है या जदयू से अलगाव करने के लिए है, वो 19 और 20 तारीख क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा फर्क पड़ेगा उपेंद्र कुशवाहा का? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि उनको बड़ा फर्क पड़ेगा। और जैसा कि बयान हो रहा है लगातार दोनों तरफ से, नीतीश कुमार जी की तरफ से या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से, हो सकता है कि कोई बड़ा कदम उपेंद्र कुशवाहा जी उठाने के मूड में हो। और इसके इस बैठक पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जरूर नजर होगी और साथ ही और भी पार्टियों की नजर जरूर बनी होगी इस बैठक। उससे पहले भी एक महत्वपूर्ण राज्यसभा सांसद चले गए। हाँ बिल्कुल, उससे पहले भी एक सांसद गए जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है जदयू में ये टूट की भावना आते जा रही है। और जदयू को किस तरीके से जदयू अंदर में डील कर रही है, ये मेन मैटर करता है। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये जो 19 और 20 तारीख की बैठक है, इसमें बहुत कुछ खुल के सामने आया। अच्छा अंकित, एक चीज और देखने को आ रही है, आप देख रहे होंगे कि ये भी कहा जा रहा है, उपेंद्र जी कह रहे हैं कि ना MLC ना राज्यसभा, तो कैसे संसदीय दल के नेता, तो कुर्सी की चाह दिख रही है सामने। बिल्कुल, कुर्सी की चाह कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वो अपने आप को संसदीय दल के नेता में उनको बैठाया गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब अपने लिए कुर्सी खोज रहे हैं। और शायद कहीं ना कहीं राजद और जदयू के विलय के बाद, वो उन दोनों के मिलकर के महागठबंधन बनाने के बाद, इन लोगों का कहीं ना कहीं आपस में कुछ फूट चल रही है। इसके दौरान आगे अब नीतीश कुमार जी और इनके बैठक के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या बयान आ रही है। चलिए हमारे साथ मनोज दास मनु भी हैं जी, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो पुराने साथी आजकल छोड़कर जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है जिसे जाना है जाए, जिसे आना है आए। जी मनोज जी। हाँ संजय जी। जी हमारा पार्टी का स्पष्ट मानना है हाँ कि किसी को घेर के नहीं रखा जा सकता। हाँ, यहाँ तक सबसे पहले आप RCP जी की चर्चा हुई थी। हाँ। RCP जी आप पार्टी को ही एक तरह से तोड़ने में लग गए थे। हाँ। उस समय बहुत बड़े बड़े मीडिया में इसमें RCP जी के द्वारा कि इतने MP इतने MLA उनके साथ बाहर हो रहे हैं। जब उनको पार्टी से निकाला गया तो उनके पीछे एक पूर्व MLA भी खड़ा नहीं हुए। तो पार्टी, देखिए पार्टी अपने नीति और सिद्धांत पर चलती है। कुछ नेताओं को लगता है कि वो है तभी पार्टी है, जदयू है, तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। अब नहीं, ऐसा भी तो है ना मनोज जी, ये भी तो हो सकता है कि जब चुनाव आता है तो आप ही उन लोगों को गले लगा लेते हैं और आप भी कहते हैं कि आइए आप, आइए आपका स्वागत है और आपको सह सम्मान हम आपको रखेंगे। बाद में वो सम्मान कहीं खो जाता है, तो इसलिए संजय जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को चुनाव के समय नहीं लिया गया। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे राजनेता हैं कि जो नीतीश कुमार जी के अगर चरण भी धो जी नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि वो दो दो बार पार्टी में आकर पार्टी छोड़ कर गए।
तीसरी बार भी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे लोगों के विरोध के बावजूद उनको गले लगाया, और उस समय कोई चुनाव का माहौल नहीं था। हाँ। कैसा कैसी जगह था कि कोई बिहार में चुनाव हो, समीकरण तलाशे जाते हैं ना चुनाव में, समीकरण नहीं, लोग देखिए। हाँ। देखिए नीतीश जी का रहता है कि सभी लोगों को, अकेले नीतीश जी थोड़े सत्ता में आए, सभी समीकरण सभी रहते हैं उनमें, और उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या समीकरण होगा। हाँ। जिसके काश की वो बात करते हैं वो तो उनको 2019 में भी शिक्षक थी, 2020 के भी चुनाव में उनको शिक्षक मिली। तो मनोज जी ने एहसान किया था संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर। नहीं संसदीय, देखिए हम लोगों ने तो उनको किया था, एहसान शब्द का कोई राजनीति में कुछ ऐसा होता नहीं है, एहसान किया ही ना कि सारे लोगों के विरोध के बावजूद उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद जब MLC का हमें मौका मिला तो MLC बनाने को उनको बनाया, तो उनको तो सम्मान हम लोगों ने दिया ही। जिन लोगों ने भी जदयू को मजबूत करने में लगे रहे उनके हक काट के उनको दिया, उनके हिस्सेदारी को काट के उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया। और उनकी बड़ी लालसा आज ये कह रहे हैं कि उनकी चाहत बड़ी है, वो कह रहे हैं कि मैं जदयू को मजबूत करना चाहता हूँ। जदयू को वो क्या मजबूत करेंगे, 2014 से 13 से वो तो बाहर थे जदयू से, तो इन 13 से लेकर अभी तक जो है 9 वर्षों 10 वर्षों में जदयू खुद अपने आप मजबूत हुई है ना, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई कोई हिस्सेदारी तो नहीं है। और मजबूत करना क्या मजबूत कर रहा है ये तो हमको समझ में ही नहीं आता। अच्छा मनोज जी एक चीज बताइए, ये इसके पीछे भी आप कह रहे हैं कि भाजपा का हाथ है, क्योंकि RCP सिंह के लिए भी आपने बोला। देखिए अब अगर RCP के बात पर भाजपा नेताओं का बयान आता है, उपेंद्र कुशवाहा जी के बात पर आगे बढ़ के भाजपा के नेता बड़े बड़े बयान कर रहे हैं, तो उसमें लोग क्या समझेंगे, बड़े भाई का कहा जा रहा है कि भाजपा में स्वागत करेंगे, तो लोग क्या समझेंगे, ये तो जनता समझती ना है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी को लगा कि हम पार्टी में नीतीश कुमार जी के साथ मिलेंगे तो हो सकता है कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उनको लगा कि जब प्रदेश के चुनाव होंगे सदस्यता अभियान के बाद तो हमको प्रदेश के अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी है और उमेश कुशवाहा जी का कद इनसे ज्यादा बढ़ने लगा पार्टी के अंदर लोगों के अंदर, तो इनके बीच में एक कीड़ा कुल बुलाया। देखिए राजनीति में सेवा भी एक काम होता है ना, आपको सम्मान नहीं। मनोज भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ही ने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी आगे बढ़ा दिया हो कि भाई चलिए इनका एक राजनीति में थोड़ा कद कम करा जाए, क्योंकि ये तो अपने है ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से पहले ही हमारे माननीय उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ। और उन्होंने आगे बढ़ के उनको स्वागत किया। राजनीति में ये सब चलता रहता है कि भाई चलिए एक के बराबर में एक और लगा दिया जाए तो थोड़ा उसका कद डाउन हो तो उसे भी पता लगे कि क्या हुआ, शायद यही सब चल रहा था। एक मिनट संजय जी, उनको लगाया नहीं गया था। हाँ। वो पहले ही से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ। इसलिए लगाने के कहीं सवाल था। अरे मनोज जी, जिसके जिसके पीछे CM साहब खुद खड़े हो जाएं तो अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा, ये तो आप ही कह रहे हैं भाई बहुत सारी चीजें। चलिए आशुतोष पांडे जी भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आशुतोष जी ऐसे कौन से कारण है कि आप देखिए जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हर चीज के पीछे भाजपा, अगर वहां पर शराब को लेकर बात हो तो भाजपा, वहां पर विपक्ष के ऊपर बहुत सारी चीजें रहती है तो भाजपा, अगर टूट की बात भी हो रही है लोग जा रहे हैं तो भी भाजपा, क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यह जदयू का अंदरूनी मामला है, जदयू के अंदरूनी मामला से भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है तो निश्चित तौर पर उसकी सजा तो मिलेगी ही। तो आप इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है निश्चित तौर पर उसकी सजा जनता उनको दे रही है, और पार्टी के अंदर भी जो बगावत है उसको बड़े सूक्ष्म तरीके से समझने की जरूरत है कि जदयू के अधिकांश विधायक और सांसद जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की बात नहीं कर रहे थे,
लेकिन प्रधानमंत्री बनने का जो लालच और मुगालते नीतीश कुमार ने अपने दिमाग में पाला, उसी के कारण यह स्थिति जदयू के अंदर उत्पन्न हुआ। और नीतीश कुमार को अब यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री बनने की तो बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री भी कब तक बिहार के अंदर बने रहेंगे यह कहना बड़ा मुश्किल है। पर आशुतोष जी वो तो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदारी मैंने ना की, ना करूंगा, ना करनी थी मुझे तो। वह तो जब वस्तु स्थिति का आकलन वो देख लिए, कर लिए, पूरे देश भी घूम लिए, देश के नेताओं से मिल भी लिए, उसके बाद उनको यह पता चला कि हम प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है, देश की जनता प्रधानमंत्री के तौर पर इनको कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। और इस बात को आप समझिए कि जदयू के अंदर जो भी मामला उभर करके सामने इधर एक आध दो महीने के अंदर उपेंद्र कुशवाहा या अन्य विधायक सांसदों के माध्यम से आया है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि नीतीश कुमार का जो व्यवहार है और नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, आज उसी का परिणाम जदयू के सामने नीतीश कुमार अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। पर आशुतोष जी, आपको लगता है कि जब भाजपा की बात होती है, जो विपक्ष में बड़ा दल भी है वहां पर और लगातार पहले सरकार में भी रहा है, ऐसे में उनके संपर्क बहुत ज्यादा है ऐसे लोगों से जो भाग सकते हैं, तो क्या स्वागत करेंगे आपका उन सभी लोगों का जो आने वाले हैं या आ सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आपके भी दरवाजे खुले हैं? देखिए, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो एक सिद्धांत के साथ, विचार के साथ और अपने नियम के साथ चलने वाला दल है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्रतिदिन देश के अंदर देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाला दल है। इसके हजारों लाखों कार्यकर्ता प्रतिदिन समाज के लिए समर्पित कार्य करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि कोई आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी का उसका स्वागत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो सिद्धांत है, जो विचार है, उसके जो नियम है, उसके तहत यदि कोई भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करता है तो भारतीय जनता पार्टी भी उसे स्वीकार करती है। मतलब आप कह रहे हैं कि उपेंद्र जी अगर आना चाहे तो उनके लिए भी रास्ते खुले हैं? उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं है ये, तो उपेंद्र कुशवाहा आएंगे या उपेंद्र कुशवाहा कहां जाएंगे ये तो उपेंद्र कुशवाहा का मामला है। ये तो हमने भारतीय जनता पार्टी में आने की बात कही कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, जो स्थापित सिद्धांत है, उसको आलिंगनबद्ध करना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी का सबल और सक्षम कार्यकर्ता होता है, जिसे समाज के लिए, देश के लिए और व्यक्ति के लिए जीने की आदत होती है, वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ सकता है। गठबंधन में जो दरार चल रही है पहले आपके साथ और अब उन्हीं के अंदर अपने यहाँ पे इस तरीके की स्थितियां आ रही है, तो ऐसा बिहार में ऐसा क्या है कि आज जो है जदयू की टूटने की स्थिति आ गई है? बड़े बड़े नेता बाहर जाने की बात कर रहे हैं, उससे पहले आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग इस बात के समर्थन में थे कि भाजपा के साथ रिश्ता कायम रखा जाए। देखिए, जदयू टूटेगी, जदयू नहीं टूटेगी, यह तो निष्कर्ष नीतीश कुमार को निकालना है। भारतीय जनता पार्टी का तो इससे मतलब नहीं है, उनको अपने दल के लिए बचाने के लिए जो जद्दोजहद नीतीश कुमार को करना चाहिए वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह तो उनका अपना निजी मामला है। भारतीय जनता पार्टी को इस संदर्भ में कुछ इस विषय से लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे प्रथम बात हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू को बिहार की जनता ने इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया था। इस बहुमत के साथ जो खिलवाड़ करने का काम नीतीश कुमार ने किया है और ऐसे दल के साथ गठबंधन किया जिसको बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करती है, उसके 15 वर्षों के शासन काल में बिहार के अंदर पूरी तरीके से अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया था, उस दल के साथ, जिस दल का नाम लेने से भी बिहार की जनता डरती है, उस दल के साथ गठबंधन किया है और बिहार की जनता के साथ जो धोखेबाजी किया है उसकी सजा तो नीतीश कुमार को मिली। लेकिन आशुतोष जी, जिसको आप कह रहे हैं कि नाम लेने से भी लोग डरते हैं, वही सबसे बड़ा दल भी रहा है वहां पे विपक्ष में, आप खुद देखिए, ये हकीकत है, जनता ने स्वीकार किया उस चीज को। अंकित जी बहुत सारी चीजें बताई हैं आशुतोष पांडे जी ने, और आशुतोष जी आपके पास आऊंगा इसके बाद आपके पास आऊंगा, जरा एक बार अंकित से भी ले लूं। अंकित जी, ऐसा लग रहा है कि बहुत जो चीजें कही जा रही हैं, मनोज जी ने भी बोला है और आशुतोष जी ने भी बोला है, लेकिन अगर इसके इतर हम जाकर देखें, कुछ चीज़ों में सच्चाई है कि जब से जो नया गठबंधन बनाया है उसमें बहुत सारे लोग जो दलों के हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शायद जनता दल यू में भी बहुत सारे ऐसे टिकटारती होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि इस नए गठबंधन में उनकी जो सीटें हैं वो फंस रही है, तो उसका एक रिएक्शन ये दिख सकता है कि ये जो लोग भाग रहे हैं, इसीलिए नीतीश जी कह रहे हैं जिससे जाना चाहे जाए, जो आ सकता है जा सकता है, वो जो बात हो रही है।
जी बिल्कुल संजय जी, मैं इस बात से सहमत रखता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सामने नजर आ रही है कि लोगों को नजर आ रहा है जो भी जदयू में है कि कहीं ना कहीं जदयू लगातार कभी इस पार्टी के साथ कभी उस पार्टी के साथ जा रही है। इस वजह से उनका भी जो औहदा है अपनी पार्टी में वो हमारा गिर सकता है, हमारा इधर उधर हो सकता है, जिसकी वजह से भी हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा ये चाह रहे हों कि मैं किसी ऐसी पार्टी के साथ जाऊं या मैं किसी ऐसी पार्टी में चला जाऊं जहां पर मेरी एक पकड़ हो, जहां पर मैं एक अच्छे तरीके से बैठ कर रह सकूं, या फिर कहीं ना कहीं उनके पास भी कुर्सी की चाह हो और वो चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं मैं ऐसी जगह जाऊं जहां पर मुझे भी कुर्सी मिले, या उनके बहुत सारे टिकट ऐसे होंगे जिन्हें वो चाहते होंगे कि ये लोग एडजस्टमेंट और जो नया गठबंधन बनाया वहां पर उनकी स्थितियां ना बन पा रही हो। बिल्कुल, क्योंकि वहां बेसिकली बिहार के अंदर ये जो गठबंधन की राजनीति है बहुत ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि गठबंधन की राजनीति लगातार बिहार में चलती आई है। पहले जब जदयू और बीजेपी की गठबंधन चल रही थी, एनडीए गठबंधन जिस समय थी उस समय भी ऐसा ही कुछ था, जिस समय उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग हुआ करते थे, लेकिन जब जदयू में विलय हुआ, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय किया, उसके बाद जाकर जब राजद के साथ पार्टी विलय हुई, पार्टी मिली है और महागठबंधन का निर्माण हुआ, उसके बाद नई सरकार बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं चाह रहे होंगे कि उन्हें भी कोई मंत्रिमंडल मिले या उन्हें भी कोई अच्छा पद मिले, लेकिन उन्हें वो सारी चीजें नहीं मिल पाई और कहीं ना कहीं वो जदयू में एक सिमट के रह गए हैं। तो वो भी कहीं चाह रहे हो कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे भी कुछ कुर्सी मिल सके। ऐसा लगता है क्या और भी कुछ लोग ऐसे बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं जदयू से मुझे जो बाहर का रास्ता तलाशते दिखे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ बाहर की रास्ता को तलाश सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बयान लगातार सामने आया, जैसा कि आज भी उन्होंने बयान दिया था कि आज वो लगातार तीसरी बार उनका स्वागत किए थे और अगर वो तीसरी बार भी जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के बीच है, और ये तनाव को खुलकर के सामने लाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सक्षम है और उपेंद्र कुशवाहा जी अंदर अंदर ही कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो जिसके बाद वो कुछ बड़ा स्टेप ले सकते हैं और वो सब जल्दी सामने आ सकता है। अच्छा मनोज जी एक चीज बताइए, मनोज जी बहुत सारी चीजें बोल रहे थे हमारे आशुतोष भाई ने बहुत कुछ कहा, लेकिन बात तो ये सही है कि भाई आपके यहाँ पर जो स्थितियाँ हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी आप बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं, जबकि जो कमियाँ हैं वो तो आप ही को तलाशनी पड़ेगी, गठबंधन आप बदलते हैं कभी इस पाले में कभी उस पाले में। देखिए सबसे पहले तो बात है कि मेरे मित्र आशुतोष जी ने कहा जी कि नीतीश कुमार जी का विश्वास नहीं है बिहार की जनता की, तो देश की जनता को कहां विश्वास है, जो लोकतंत्र में विश्वास है कहां इस सरकार को। उदाहरण में आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को देख लीजिए। दूसरी बात यहां पर ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे प्रधानमंत्री बनने का ये बनने का, तो प्रधानमंत्री बनने का ठीका क्या खाली नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेंगे क्या, कि कोई दूसरा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री का क्यों नहीं अपना ले सकता था। नीतीश कुमार जी ने तो कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ हम दलों को गोलबंद करेंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि किस मुंह से बोलते हैं, लगता है कि लज्जा भी नहीं आती है कि बिहार की जनता उस पार्टी का नाम लेना भी नहीं चाहती है और वह पार्टी इनसे भी सबसे आगे सीट जीत के लाई तो वह जनता नहीं जिताई तो क्या ये जिता दिए थे क्या। देखिए राजनीति में गठबंधन बनना 2020 में कहते हैं कि स्पष्ट बहुमत था और 2015 में कौन स्पष्ट बहुमत नहीं था, उस समय जो नीतीश जी गए तो आगे बढ़ के क्यों गले लगा लिए थे। तो राजनीति में जब इनको अपना अपना जहां पर लाभ मिलेगा वहां पर कुछ नहीं करेगा, अभी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, इनके ही प्रदेश अध्यक्ष ने उन नेताओं को डांटने का काम किया, हमने नहीं बोले मीडिया में आया जो उपेंद्र कुशवाहा जी से गए थे मिलने के लिए कि ये लोग तो प्री प्लान करके सामने आए ही थे, स्वागत और आना जाना। दूसरी बात संजय जी आप जरूर देख लीजिएगा 19-20 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ना एक एमपी रहेगा ना एक एमएलए रहेगा उस बैठक में, उस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक रहेंगे न कि जनता दल यू के समर्थक रहेंगे, और उस बैठक को हम लोग कोई नोटिस ही नहीं ले रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के बैठक का, क्योंकि पार्टी में जब रहना होगा
तो पार्टी ही को मजबूत करने की बात करना होगा। अब कोई भी मीटिंग का ऐलान या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी करेंगे या प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी करेंगे। अब बाकी अब बीजेपी वालों को अपना है लोकतंत्र के साथ बलात्कार कर रहे हैं, सीबीआई ईडी को ले ही रहे हैं, बिहार के नौजवान के जाने माने जो रहा जिसकी हत्या हुई दिल्ली के अंदर, उसका आज तक कोई फिल्म अभिनेता का कोई सुशांत सिंह राजपूत का कुछ देवे नहीं किए हैं। फिर चुनाव होगा तो उसी केस में वहां के जो दल उनकी बात नहीं मानेंगे उनकी गिरफ्तारी करेंगे, नाम जोड़ेंगे। तो ये जहां जहां रहता है 7 बरस 8 बरस 10 बरस के बाद ये ईडी और सीबीआई का डर इतना नेताओं को लगता क्यों है कि पता नहीं सरकारें गिर जाएंगी उनसे? किए ना अभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ये अपना कारोबार शुरू किए थे, कुछ मिला इनको थोड़े। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ ना मनोज जी, अगर आप सही है तो फिर डर किस बात का? इसी डर पर ना है। हाँ भाई, जब आप सही है तो डर किस बात का मनोज जी? सरकार बनाई थी। हाँ आप बताइए ना कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, वहाँ लोकतंत्र श्रमसार नहीं हुआ, क्या वहाँ लोकतंत्र मजबूत हो गया? जो उनको तोड़ दिए उनका शरद पवार के बेटे जब तक इनके खिलाफ थे तो इन पर 50 केस था, और जैसे ही समर्थन किए तो सारा केस समाप्त हो गया। तो राजनीतिक दृष्टि से चल रहे हैं, चलते रहे, एक दिन देखिए सबका अंत होना है। अच्छा मनोज जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए फिर मैं आशुतोष पांडे जी के पास जाऊंगा कि आप ये देखिए, भागते आपके लोग हैं अगर जा रहे हैं छोड़कर, या आप ही निकाल रहे हैं, और अगर वो जाने के बाद वो भाजपा जाएं तो उसमें गलती कहाँ है? आप बताइए, दूसरा दल तो है। कौन आदमी गए, कौन आदमी छोड़ के? आप इतने बड़े राज्यसभा सांसद चले गए, चले गए कहा? भाजपा का हेलो। हाँ। जी जी बोलिए, आवाज आ रही है मनोज भाई? आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा मुझे लग रहा मनोज जी से संपर्क कट गया। आशुतोष जी जवाब दीजिए कि आखिर अब जो है, क्योंकि बात गठबंधन की है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो गठबंधन है वो मजबूत है, तो उसे लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने विकल्प तलाश कर रही है, और इसलिए पहले वो जिन लोगों को अलग रखती थी आज उन लोगों को अपने साथ में लाने के लिए भी तैयार है। आशुतोष जी देखिए, जिस गठबंधन की मजबूती की बात कर रहे हैं, हाँ। उसी गठबंधन के साथ नीतीश कुमार तो पहले भी गए थे, हाँ। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाए थे। आखिर जब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाए थे तो क्या आवश्यकता थी कि पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाना? नीतीश कुमार सुविधा के अनुसार यदि राजनीति करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बात को समझिए कि बिहार की जनता, बिहार के जो मतदाता है, इसको इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती है। राजनीति सुविधा के अनुसार नहीं होती है, राजनीति सेवा के लिए होती है, समर्पण के लिए होती है, त्याग के लिए होती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी स्पष्टता के साथ इस बात को बार बार दोहराती है कि हम विकास के लिए समर्पित एक ऐसे अकेले दल हैं जो एक एक जनता की चिंता करते हैं। और आप देखिए, बिहार के अंदर जो 76% जो हिस्सा है, जो पैसा है, वो केंद्र से आता है, शेष बिहार का पैसा होता है। बिहार की जनता के विकास के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के एक एक योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपया देने का काम किया है। लेकिन इस बात को नीतीश कुमार को समझने की आवश्यकता है कि केंद्र की सरकार बिहार के विकास के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। अच्छा आशुतोष जी, जब इतना कुछ वहां पर मिल रहा था तो नीतीश आपको छोड़कर क्यों गए? वो कौन सी कुर्सी थी जो उन्हें आपसे नहीं मिल रही थी और वहां पर जाकर मिल गए? तो हम पहले बता चुके हैं कि नीतीश कुमार के मन के अंदर ये बातें आ गई कि विरोधी दल का एक गठबंधन बनेगा, वो गठबंधन का नेतृत्व हम कर सकते हैं। अच्छा। और हो सकता है वो मंत्री बनने का मुगालते जो दिवा स्वप्न होता है, बहुत सारे लोग दिवा स्वप्न भी पालते हैं, तो दिवा स्वप्न के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का और बिहार की जनता मतदाता के साथ विश्वासघात करने का काम, और ये उसी का रिएक्शन दिख रहा है जो उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह या और जो लोगों के बीच में चल रही है, इस तरीके की बातें। जी आशुतोष जी, हाँ अपना मामला है ये,
अपना मामला है कि जदयू के कुनबे को समेटने का काम नीतीश कुमार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार की मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो गठबंधन बना था उसको स्पष्ट बहुमत दिया था। आप उस बहुमत के साथ विश्वासघात करने का काम किए हैं। और नीतीश कुमार का जो आत्मविश्वास है, आप इस बात को देखिए कि तेजस्वी यादव के साथ जाने के बाद, राजद के साथ जाने के साथ, नीतीश कुमार का जो आत्मविश्वास है, उसके जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, वो काफी बदल गया है, काफी दबाव में है। आज उसी दबाव का परिणाम है कि जदयू के अंदर यह स्थिति उभर करके सामने आ रही है। आपको लगता है कि अभी जदयू में इस तरीके की और तस्वीरें सामने आ सकती हैं? अब राजनीति में कल क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन आज जो स्थिति आपको दिख रही है वह जदयू की सेहत के लिए तो अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। नहीं, बिल्कुल जदयू की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। चलिए, मामला बड़ा है और देखने वाली बात ही होगी कि आगे क्या होगा। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हालत यही दिख रहे हैं कि जेडीयू विभाजन की कगार में है। उपेंद्र कुशवाहा अपने साथ किन किन नेताओं को जोड़ पाते हैं, उससे ही आगे का आकलन होगा। दरअसल पूरा संघर्ष पार्टी और सत्ता पर वर्चस्व का है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया है, पार्टी उनसे महत्वपूर्ण मसलों पर राय नहीं लेती। वहीं जदयू के नेताओं को आगाह भी कर रहे हैं कि जदयू का आरजेडी में विलय की जो कोशिश अभी हो रही है उसे वो बचाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मामला बढ़ा है, लेकिन वहीं नीतीश कुमार जी भी ये कह रहे हैं कि जिसको जाना है वो जाए। तो ये संकेत है कि वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत मानते हैं और उन्हें कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता। लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या क्या होगा उस पर सभी की नज़र रहेगी, क्योंकि बिहार बहुत खास है। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।